ताहिए अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ज़ारा काज़मी का एमएलओ कब होने जा रहा है, आज की वीडियो में डिटेल चीज़ें, डिटेल कहानी, डिटेल हर उस चीज़ की बताऊंगी जिसका आपको इंतजार था। मेहदी भाई का क्या ओपिनियन है, वो क्या चाहते हैं, अदालत के मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, ज़ारा काज़मी जो है वो अब क्या चाहती है, उसने क्या बयान दिया है, ज़हीर के हवाले से बता दीजिए, क्योंकि उस पर एक और नया केस ठुकने वाला है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ताकि आपको इल्म हो सके कि जी क्या मामला है, अब ये क्यों डर रहे हैं, अब ये क्यों भाग रहे हैं, और एमएलओ की क्या हैसियत है और क्या हकीकत रह गई है। बच्ची के बहुत सारे बयान जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलती हूँ, जहाँ पर बच्ची जब शेल्टर होम में थी तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स जाते थे, वो उसका एनालिसिस करते थे, उससे बात करते थे, चीज़ें पूछी जाती थी। कुछ पगले डॉक्टर्स भी आए जो ज़हीर और जलील एक्सेस की जानिब से भेजे गए थे। जिंदा लाश चाहता था कि जी मेरी मुलाकात हो, जो सारे मामला तो आपको बताइए। तो उस वक्त बाद में कुछ डॉक्टर्स की टीम बनाई गई जिन्होंने एनालिसिस किया, जिन्होंने बच्ची की एक एक बात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, रिकॉर्ड की गई उसकी बातें, रिकॉर्ड की गई जो है वो वीडियोज़ बनाई गई, और वो सारी चीज़ें जो है अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिए गए हैं, जिसमें बच्ची ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अच्छा जी, अब बच्ची का बयान जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया है। ये वो बयान भी है जब इतने दिन से बच्ची घर आ चुकी है, और जो शेल्टर होम का स्टाफ और पुलिस जो है वो आकर मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें बच्ची हर एक मुलाकात में एक नया इंकशाफ करती है। ये ऐसा इंकशाफ है, यकीन करें कि अगर हम यहाँ पे बताना शुरू कर देना तो इनके तो पैरों तले से ज़मीनें निकल जाएंगी, इनको समझ ही नहीं आएगी कि भाई ये अब कहाँ पर ज़मीन फटे, ये कहाँ पर जो है ना अंदर समा जाए, क्योंकि बच्ची ने हर वो चीज़ बता दी है जिसका इन्होंने बच्ची को डरा धमका कर जो है वो कहानी गायब की हुई थी। अच्छा जी, शेल्टर होम में भी बहुत सारे बयान हो चुके हैं। एमएलओ डिले करवा के जलील एक्सेस समझते हैं कि जी वो जिंसी ज्यादती के केस से बच जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़ारा काज़मी के बताने के बाद, यानी कि अदालत में आने के बाद, एमएलओ की जो ज़रूरत है वो ही पेश नहीं आएगी। बच्ची बता देगी कि जी मेरे साथ किसने क्या किया। इन लोगों को लग रहा था कि जी जिंसी ज्यादती करके, उस बच्ची को तकलीफ देकर, उसकी इज्जत तार तार करके, ये लोग जो है वो बड़े आराम से जो है वो निकल जाएंगे, जिंसी ज्यादती के केसेस नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची जो है वो जब खुद अदालत जाएगी, वहाँ पर बयानात रिकॉर्ड करवाएगी, बताएगी कि उसके साथ किसने क्या किया। बच्ची को जो है दिमागी ट्रॉमा तो दिया गया, मेंटली फिजिकली बच्ची ट्रॉमा का शिकार है, जिनसे ज्यादती उसके साथ की गई, हर वो चीज़ बच्ची जब अदालत में जाके बताएगी। तो इन्होंने जो टैक्टिक्स खेली थी, इन्होंने जो कहानियाँ डाली थी कि जी एमएलओ ना हो पाए, और एमएलओ का टाइम भी निकल गया था, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स से जब ओपिनियन ली थी तो उन्होंने कहा था कि जी तकरीबन कुछ टाइम होता है, कुछ पीरियड, टाइम पीरियड होता है जब आप एमएलओ करवाएं तो हर वो चीज़ सामने आ जाती है, हर वो चीज़ जो है वो उसमें जो है वो डिटेल उसकी आ जाती है। लेकिन इन्होंने डिले होने दिया। जब मेहदी भाई जो एमएलओ के लिए दरख्वास्त देते थे या उसकी सुनवाई होती थी तो ये कहानी पे कहानी डाल देते थे, और वो टाइम पीरियड निकल गया जब एमएलओ होना था। तो अब जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जी एमएलओ तो ज़ारा काज़मी खुद है, यानी कि एमएलओ की जितनी पावर थी उतनी पावर ज़ारा काज़मी की खुद है। ज़ारा काज़मी अदालत में जाकर जो है जब वो बता देगी कि मेरे साथ इन दरिंदों ने जिनसी ज्यादती की है, तो एमएलओ नहीं भी होगा ना, तो हर चीज जो है उस पर मोहर लग जाएगी, हर एक चीज जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी कि भाई बगैर तो जलील लोगों, तुम लोगों ने कोशिश की कि जी एमएलओ ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची आकर बता रही है कि जी मेरे साथ इन दरिंदों ने ये सब कुछ किया था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने एमएलओ को डिले करवाकर इन्होंने सोचा था कि जी ये पूरा का पूरा जलील नेक्सस और जो शातिर कमीना है, जितने भी इनके शातिर कमीने लोग हैं, वो समझते थे कि जी जिंसी ज्यादती के केस से अब हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन पर एक और केस होने जा रहा है, इन पर केस होगा, जिंसी ज्यादती का केस होगा। बच्ची के तमाम बयानात साइको एनालिसिस एमएलओ के दर्जे रखते हैं, एमएलओ का दर्जा रखता है, और हर वो चीज़ यकीन करें सबूतों के साथ इस वक्त अदालत में रिकॉर्ड का हिस्सा है। बच्ची बहुत जल्दी जाकर जो है बताएगी कि इन दरिंदों ने मेरे साथ क्या किया। तो ये तो हो गई जी बच्ची के एमएलओ की कहानी, ठीक है। अब इस वक्त जिंदा लाश क्या कर रहा है, जिंदा लाश बेगैरतियों की तमाम हदें अबूर कर चुका है। इसने गो फंड मी के नाम से जो है पैसे इकट्ठे करना शुरू किए, उसमें कहानी इसने वही डाली कि जी मैं गरीब हूँ, यतीम हूँ, मुझे अपनी बीवी को घर लेकर आना है, मुझे फंड की ज़रूरत है, $25,000 की कहानी, वो भी बेनकाब हो गई। फिर अब एक नई खेल खेला जा रहा है, उस खेल को मैं अभी बेनकाब नहीं करूँगी, उस पर थोड़ी सी मेरी टीम काम करी है, रिसर्च करी है कि जो जिंदा लाश है इस वक्त एक नया गेम खेल रहा है, और नया गेम खेल रहा है शबीरे के साथ बैठकर।
कुछ बड़ा खौफनाक जो है मंसूबा इन लोगों ने बनाया हुआ है और उस पर एग्जीक्यूशन भी इनकी जानिब से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मेरी टीम जो है उस पर भी काम कर रही है। हम वेट कर रहे हैं कि जी हमारे हाथ सारी चीज़ें लग जाएं तो फिर हम इसका मामला जो है दुनिया के सामने डिस्क्लोज करें। इसके बाद जी आ जाते हैं इनकी माँ नूरा पे। नूरा माई इस वक्त 9-11 हुई हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में रहकर उसने यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की, मैं कहती हूँ सैल्यूट है, आराम से जी ये लोग वहाँ पर दोबारा लगकर अब नए शिकार की तलाश में। इन्होंने नया शिकार ढूंढना शुरू कर दिया है टिकटॉक पर, जो है वो जिंदा लाश नया शिकार ढूंढ रहा है। कुछ लड़कियों की तस्वीर भी इन्होंने लगाई है, कुछ लड़कियों को उन्होंने ट्रैप करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब देखना ही है कि वो लड़कियां सच में इनको ट्रैप कर रही हैं या वो खुद ट्रैप हो रही हैं। तो नए शिकार की तलाश जी इन लोगों ने शुरू कर दी है, इनकी माँ ने भी शुरू कर दी, इन्होंने भी शुरू कर दिया है। और जो सस्ती अदाकारा है उसको अभी मुझे लाहौर से खबर मिली है, अभी मेरे दोस्तों ने मुझे लाहौर से कॉल की है कि जी उनके जो सस्ती अदाकारा है घटिया नीच औरत, उसके घर के बाहर जो है ना वो बड़ा तमाशा हुआ। लोगों ने कहा भी पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ है, तो पता चला कि जी उसको ना वो चीख रही है, सारी सारी रात चीखती रहती है, सारी सारी रात कहती है मुझे चुमने काट रहे हैं, सारी सारी रात कहती रहती है मेरा पेट खराब है, कब्ज फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा, डॉक्टर्स जो है वो जा रहे। तो डॉक्टर्स कुछ वहाँ पर गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये दिमागी मामला है, ये दिमागी तौर पे मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुकी है, क्योंकि इतने महीने से झूठ बोल बोल के लानत मुंह पर जो है उसके बरस रही हैं। तो अब जो है ना जो इनका थैला मछली है वो भी कहता है कि जी मैं अब यहाँ पर जो है मेरा रहना मुश्किल हो गया है, मैं घरदमाद तो हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब घर से बाहर जाता हूँ तो लोग मुझ पे ना थूकते हैं, तो थूक खा खा के जो है ना मेरे मुंह पर फिटकार बरसना शुरू हो गई है। तो सस्ती अदाकारा सारी सारी रात चीखती रहती है, जो इर्द गिर्द वाले हैं वो परेशान है, किसी ने पुलिस को कॉल भी किया, कहा है कि जी यहाँ पर एक औरत के पागल होने की इत्तला है, वो चीखती रहती है, उसको पागल खाने जमा करवाया जाए। तो अब देखना यह है कि सस्ती अदाकारा को जो है पागल खाने कब जमा करवाया जाता है। इस वक्त वो बेचारी सोशल मीडिया पर बैठ के जो है अपने दिल की दिमाग की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, क्योंकि उसका बाप तो है नहीं कोई, अब लानतें पड़ रही है कहां से फैमिली की जानिब से। अब फैमिली इसका तो ससुराल कोई है नहीं, आप सबको पता है, सारे लोगों ने यूट्यूबर्स ने इनके ससुराल की कहानी भी सुना दी थी कि ये किस जगह का माल है और कैसे लोग हैं। अब मामला यहाँ पर यह है कि इसकी बहन की जो ससुराल है ना वो बड़े इन पर लानते डाल रही है, थू थू कर रही है, वो कहते हैं कि जी सस्ती अदाकारा पागल हो गई है और अब इसको उठाकर जो है ना कहीं फेंको। तो अब वो लोग कहते हैं कि जी उनकी भी बहनों की बेचारियों की जिंदगियां जो है ना वो रिश्ते खटाई में पड़ चुके हैं, क्योंकि इसका तो कोई है नहीं, लेना देना नहीं है, पता नहीं कौन इसका शौहर है, शादी हुई है नहीं हुई, किसी को कुछ भी नहीं पता, इसलिए बैठ के ये भौंकना शुरू करती है क्योंकि ये पागल हो चुकी है। दूसरी तरफ जी मैं आपको बताती चलूँ कि इनके वकील जो कराची में है वो भी बड़ी कहानियां डाल रहे हैं, वो जो है नित नए मशवरे दे रहे हैं, और कुछ इतलात ये भी आई कि इनके वकील भी भागने वाले हैं। वो कहते हैं कि जी ये केस मुकम्मल तौर पर जो है वो इनके खिलाफ जा रहा है, इनकी फीस नहीं अभी ये लोग पे कर रहे, तो कुछ नई गेम्स खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने फिर मेहदी भाई के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है किसी के थ्रू कि जी खुदा के वास्ते जो है केसेस वापस ले लें, हमारी जान छुड़वा दें। बार बार जाली मौला जट बैठ के कहता है कि जी मेहदी कासमी जो है वो केस वापस ले लेगा। तो भाई मेरी मेहदी भाई से बात हुई है, वो कहते हैं हम तो मतलब कसम वाली बात है, वो कहते हैं हम तो किसी सूरत जो है वो केस वापस नहीं लेंगे, हम क्यों केस वापस लें, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की इसने कोशिश किया तो मैंने निकाल लिया, अब ये किसी और को शिकार बना के किसी और की जिंदगी बर्बाद करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मेहदी भाई तो इस वक्त पुरअज्म है, वो कहते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और बच्ची जो है इंशाल्लाह ताला जिस दिन बच्ची अदालत चली जाएगी MLO की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्ची जाकर बताएगी कि दरिंदों ने मुझे जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया, मुझे दिमागी तौर पर जो है ट्रॉमा का शिकार किया, मुझे मारा पीटा दी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग परेशान ना हो, मेहदी भाई इनको तोड़ तक छोड़ कर आएंगे।